नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में बीते 10 दिनों में पुल गिरने की चार चार घटनाएं हो चुकी है। अब इस पर राजनीति चरम पर है। राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वही विपक्ष जो है वो डबल इंजन की सरकार पर हमलावर है। डबल इंजन की सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष नजर आ रही है। तो वही इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुल हादसे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स के जरिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकार है तो सत्ता पक्ष और उनका अभिन्न अंग गोदी मीडिया इसे भ्रष्टाचार तो कदापि नहीं कह सकते हैं। डबल इंजन सरकार के पायलट अब कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं, 10 तो नहीं गिरे हैं ना ये पायलट। या भी कहेंगे कि पुल गिरने के दोषी तो विपक्ष और जनता है। इससे पहले अररिया, सिवान और पूर्वी चंपारण में पुल गिरने की घटनाओं के बाद भी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला था। बीते 23 जून को भी तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट डालकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर जोरदार जुबानी हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषणों की नकल करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा था, पुल गिरे भ्रष्टाचार के गुल खिले, 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे दो दो उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं है, जानकर कर भी क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल कुतर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे, भाइयों और बहनों चुपचाप पुल गिरते हुए देखो, नहीं तो कथित जंगल राज आ जाएगा। पुल गिरना एक्ट ऑफ गॉड है, ये मोदी की गारंटी से भी बड़ी गारंटी वाले पुल थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कंक्रीट के पुल की क्या मजाल। मित्रों बोलो जय श्री राम। तेजस्वी यादव जबरदस्त तंज कसते हुए नजर आए। तो वही मुख्यमंत्री के भाषण का नकल करते हुए लिखते हैं तेजस्वी यादव की, पहले पुल गिरता था जी, अब हम लोग एक साथ आ गए तो पुल गिर रहे हैं, जान लीजिए एक एक पुल गिर रहा है। वो लोग ही किया है जी, वो लोग नदी और पानी के साथ मिल इस सब गड़बड़ करता है, हम सब इसकी जांच कराएंगे। बिहार में मॉनसून के आगमन के साथ पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। 10 दिन में 4 पुल तबाह हो गए। सबसे पहले 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ का एक पुल गिरने का मामला सामने आया। विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन सिलसिला नहीं थमा। इसके 4 दिन बाद 22 जून को सिवान के दौरंदा और महाराजगंज ब्लॉक को जोड़ने वाली गंडक नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया, जिससे आसपास की आबादी परेशान हो गई। तीसरा पुल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 23 जून को गिरा। यहां घोरासहन ब्लॉक में एक पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, रात में पुल की ढलाई हुई और सुबह पुल ढल गया। इसके बाद किशनगंज में पुल हादसा हुआ। जिले के बहादुरपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया 13 निर्माण 25 लाख की लागत से कराया गया था। इस पुल के धसने से आसपास के लगभग 40,000 लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तंज कसा है और उनके भाषण के नकल उतारते हुए भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए जुबानी हमला बोला है। इससे पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना।